पासपोर्ट बनाने के लिए अब आपको आधार कार्ड की नहीं बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हुआ तो आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा आप सब लोगों को ये छूट दी गई थी कि आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर आधार कार्ड दिखा सकते हैं लेकिन पिछले कुछ समय में आधार कार्ड पर जहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है वहां पर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि इन्होंने डेट ऑफ बर्थ को टेम्परिंग किया हुआ है यानी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है वो छेड़छाड़ की है इसीलिए आपको बता दें कि अब सीधा पासपोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है कि अगर आप लोगों को पासपोर्ट बनाना है तो आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है आपका आधार कार्ड कहीं पर भी काम नहीं आने वाला आप लोग आज तक आधार कार्ड से जो है अपनी डेट को वेरीफाई कराते हैं यानी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कराते हैं और कई लोग जब पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं तो उन्हें यह भी कहा जाता था कि आप अपनी स्कूल की मार्कशीट ले आइए यहाँ तक कि अगर हम बात करें यानी टेंथ की मार्कशीट मैट्रिक की मार्कशीट जो है वो काम आ जाती थी लेकिन अब पासपोर्ट बनाने के लिए कुछ नए बदलाव हो चुके हैं उस बदलाव में सबसे अहम और सबसे ऊपर ये बदलाव किया गया है कि अगर आप लोगों को पासपोर्ट बनाना है तो ना तो अब आपका आधार कार्ड चलेगा और ना ही कोई और चीज़ चलेगी पासपोर्ट बनेगा तो सिर्फ इसी चीज़ पर बनेगा कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो लेकर आए आज तक अगर आप लोगों ने आधार कार्ड से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है पासपोर्ट ऑफिस में दी है तो अब भूल जाइए पुराना जमाना बदल गया आप लोग जो है वो टेम्परिंग करते हैं तो उससे छेड़छाड़ करते हैं उसका पता जो है उन्हें चल चुका है अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आधार कार्ड बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है डेट ऑफ बर्थ जरूरी है और डेट ऑफ बर्थ जो है पासपोर्ट ऑफिस में जरूरी है सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ये साबित कर पाएगा कि आपका पासपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा अब मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो है यहां पर बातचीत की न्यू दिल्ली में और डिसाइड किया कि आधार कार्ड को हटा दिया जाएगा उस ऑप्शन से और डॉक्यूमेंट की जगह जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट लाया जाएगा अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है और मैं आपको बता दू कि इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा जब

कार्ड को भूल जाइएगा और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बहुत से लोगों ने आधार कार्ड का मिसयूज यूज कर अपने पासपोर्ट बनाए हैं उनके पासपोर्ट पर भी जो है वो तहकीकत हो रही है वहां पर भी तफ्तीश जा रही है क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप यहाँ से दूसरे देशों में जा सकते हो लेकिन दूसरे देश में जाने के बाद ये पता चल जाता है कि ये बंदा टेम्परिंग कर कर आया है ये बंदा झूठे डॉक्यूमेंट्स देकर आया है तो क्या इस देश की गवर्नमेंट जो है सोई है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि बाहर हमारी जो है वो इंसल्ट हो रही है कि यहाँ के लोग जो है टेम्परिंग करते हैं इसीलिए उन्होंने यही आदेश दे दिया कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाइए आपके आधार कार्ड की जरूरत नहीं है लेकिन खबर यहाँ पर ही खत्म नहीं होता

अब यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो डिसीजन लिया कि आपका आधार कार्ड तो एक्सेप्ट होगा नहीं और आपको ये भी बता दें कि जो आपके मिसमैच है ना वो आप ही के डॉक्यूमेंट से पता चलते हैं गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि जो गवर्नमेंट पता लगा लेगी कि आपने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं फॉर्जरी आपके डॉक्यूमेंट्स आप ही के डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि वो सही नहीं है वो गलत है क्योंकि पासपोर्ट बनाने के लिए खुद लोगों को फिजिकली वहां पर जाना पड़ता है और जब उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और जब उनकी उम्र देखी जाती है ना तो वो बिल्कुल भी जो है पूरी तरह से मैच नहीं होते वहीं से आपका झूठ पकड़ा जाता है और पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कहीं भी अप्लाई हो जाता है इसीलिए बाहरी देश की यात्रा करना महंगा पड़ेगा और महंगा भी हो सकता है अगर बर्थ सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट है तो ठीक अब कोई डॉक्यूमेंट उसकी काम और कड़ी नहीं बन पाएगा पासपोर्ट बनाने के लिए आधार कार्ड नहीं है मैंडेटरी है तो बर्थ सर्टिफिकेट